विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बालाघाट जिले की 6 सीटों पर जारी मतगणना के दूसरे राउंड के परिणाम सामने आ चुके हैं। दूसरे राउंड में यहां पर बालाघाट से अनुभा मुजारे जो है कांग्रेस प्रत्याशी, इन्होंने कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन पर 3800 की बढ़त बना ली है। वैसे ही अगर हम लांजी की बात करें तो यहां हिना कावरे लगातार लीड करते हुए नज़र आ रही है, 5875 वोटों से वो आगे निकल चुकी है राजकुमार कर्राहे से। कटंगी से यदि हम बात करें तो गौरव सिंह पारदी की मार्जिन थोड़ा कम हुई है, इस बार यहां पर 1083 पर गौरव सिंह पारदी नज़र आ रहे हैं वो सिंह भगत से। ठीक वैसे ही परसवाड़ा की बात करें तो दूसरे राउंड में मधु भगत ने पुनः बढ़त बनाई है, लेकिन यह बढ़त जो है काफ़ी मामूली है, 1943 की बढ़त यहाँ पर मंत्री रामकिशोर कावरे पर दिखाई दे रही है। वाराशिवनी की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रदीप जायसवाल 1949 वोटों से आगे है और विक्की पटेल उनके लगभग पीछे चल रहे हैं। बैहर की यदि बात करें तो पिछले अपडेट में बैहर का एक आंकड़ा गलत हो चुका था, जिसमें हमने भगत सिंह नेताम जो है आगे चल रहे थे 214 वोटों से, उन्हें पीछे बता दिया गया था, लेकिन दूसरे राउंड में ये फर्क सामने आया और जो कैलकुलेशन किया गया है उसमें ये सामने आया है कि अब संजय उइके ने यहाँ पर 107 मतों की बढ़त बना ली है भगत सिंह नेताम पर। तो बालाघाट जिले की 6 सीटों में कांग्रेस 4 पर आगे चल रही है, 2 पर बीजेपी आगे चल रही है। बने रहिए बीजीटी मीडिया के साथ, तीसरे और चौथे राउंड की अपडेट के साथ एक बार फिर से आप सभी के बीच हाजिर होंगे।